नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरा अडेनियम प्लांट सर्दियों में कितने अच्छे से अब फ्लावरिंग कर रहा है। तो आज मैं अडेनियम की कुछ कटिंग रिपोर्ट कर रहा था, तो आपके साथ शेयर करूँगा उसका रिजल्ट कि किस तरह कटिंग मेरी ग्रो हुई है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है और अभी सर्दियाँ चल रही, फिर भी मैं कटिंग में रिपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ भी सर्दियों में ठीक होती नहीं, पत्तियाँ जड़ गई है और जैस्मिन लगाया था उसमें रूट्स ज़्यादा हो गई है। छोटे से बकेट में मैंने लगाया था प्लास्टिक में, उसमें तो उसी के बाद वो बताऊँगा कि मिट्टी कैसी बना के मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा फ्रेंड। ये देखिए बड़ा प्लांट है, ये मैं नर्सरी से लेके आया था। चलिए मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ और मेरी मिट्टी बताता हूँ कैसे मिट्टी बनाई मैंने। ये देखिए सबसे पहले तो ये 5 कटिंग मैंने रिपोर्ट कर दी है, बाकी तो और बहुत सारी बाकी है। तो सोचा चलो आप वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो फिर काम करते करते बीच में वीडियो बनाने लगा। तो देखिए ये 5 कटिंग मैंने रिपोर्ट कर दी है। अभी सर्दियाँ चल रही है फिर भी मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने और भी बेबी प्लांट रिपोर्ट किए क्योंकि सर्दियों या गर्मी अडेनियम को कुछ थोड़ी बहुत आप केयर टिप्स का ध्यान रखोगे तो आपके अडेनियम प्लांट कुछ नहीं होगा और बहुत अच्छे से चलेंगे। ये सब मेरे कटिंग है जो मैंने बारिश में लगाई थी कटिंग। तो देखिए और दिखाता हूँ जो मैं निकाली मैंने। ये देखिए कटिंग मैंने निकाल के रखी है, कितने अच्छे से इसमें रूट्स आई है। और ये देखिए यहाँ पे ये बकेट में मैंने सब कटिंग लगा के रखी थी, इसमें देखिए जगह भी नहीं थी। मैं यहाँ से पूरी 5-6 कटिंग मैंने निकाल दी है और अडेनियम मैंने जो कट किए थे उसकी कटिंग मैंने अभी मतलब 1 हफ्ते पहले ही डाली थी इसमें, तो उसके लिए भी जगह नहीं थी। तो पहले इस सबको रिपोर्ट कर लूँगा फिर वो कटिंग अच्छे से मैं लगा दूंगा क्योंकि कटिंग लगाने की थोड़ी जगह भी चाहिए। इसमें थोड़ी सी भी जगह बची नहीं थी, देखिए पूरा पैक था। ये आपको दिखाई वो कटिंग पहले मैंने हटाई इसमें, इसलिए थोड़ी जगह हुई है। तो अभी फरवरी में जब मैं प्रून करूँगा सब अडेनियम तो उसकी कटिंग भी लगा दूंगा इसी तरह। ये देखिए इसको कटिंग से लगाना बहुत, आप जड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो गई है। और अभी मैं क्या इसकी मिट्टी थोड़ी ठीक बनाऊँगा तो इसमें थोड़ी ग्रोथ भी ठीक होगी और फरवरी आते आते ये प्लांट कटिंग वाले सेट हो जाएंगे। देखिए ये सब कटिंग ही है। तो ये जो मैंने लगाई थी रिवर सैंड है और जो चावल की भूसी आती है थोड़ी बहुत वो मिलाई थी, बाकी तो ज़्यादातर रिवर सैंड ही मिलाई थी मैंने। ये देखिए उसमें इसमें ना ही गार्डन सॉइल है ना ही खाद कुछ भी नहीं, ये मैंने खाली रिवर सैंड और थोड़ी सी चावल की भूसी डाली थी और उसमें लगा दी थी। और ये मैंने बारिश में लगाई थी जब बारिश गिर रही थी, तो इस कटिंग को मैंने जो सॉफ्ट वाली कटिंग आती है वो कटिंग मैंने कट करके इसमें लगा दी थी। सॉफ्ट कटिंग जो ऊपर की टिप की आती है वही कटिंग, ना ही उसको सुखाया धूप में छाँव में सुखाया कटिंग कुछ नहीं, जैसे कट किया तुरंत ही उस पर फंजीसाइड लगा के मैंने कटिंग लगा दी थी। चलिए मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो इसकी मिट्टी पहले दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए रिपोर्टिंग के लिए मैंने मिट्टी बनाई, इसमें देखिए चावल की भूसी आती है वो डाली है मैंने 30% के आसपास, 30% 40% के आसपास रिवर सैंड डाली है, बाकी 20% का मैंने इसमें गार्डन सॉइल डाली है। 15 से 20% ही कि मैंने गार्डन सॉइल डाली, ज़्यादा गार्डन सॉइल डाली नहीं है। और अभी मैंने इसमें खाद कुछ भी नहीं डाली है, खाद में ये प्लांट सेट हो जाएंगे 10-15 दिन, उसके बाद थोड़ी थोड़ी खाद ऊपर से दे दूंगा। मिट्टी में मैंने कुछ भी खाद नहीं मिलाई है, आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी दे सकते हो, पर मैं इस टाइम इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ सर्दियाँ चल रही है इसीलिए इसमें कम से कम मैंने 40% तो इसमें चावल की भूसी देख आपको दिख रही राइस हस्क वही मिलाया, क्योंकि इससे मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट और भुरभुरी रहती है और अडेनियम प्लांट के लिए बेस्ट सॉइल है। तो देखिए इसी तरह आपको मिट्टी तैयार करनी है। तो मैंने 5-6 प्लांट तो रिपोर्ट किए हैं और अभी और 8-10 प्लांट बाकी है कटिंग जो मुझे रिपोर्ट करनी है। और भी कटिंग मैंने जो कट की थी जो 4 दिन पहले इसी में लगा के रखी थी, देखिए तो इससे क्या है कि जगह नहीं थी तो कटिंग भी कैसे ग्रो होती, तो इसीलिए मैंने पहले इस कटिंग को रिपोर्ट कर लेता हूँ फिर बाकी आपको चलो दिखाता हूँ
कि मैं ये जो पॉलीथीन आती है जो नर्सरी वाले प्लांट लगाते वही वाली पॉलीथीन में लेके आया था शॉपिंग करके, 130 रुपये की 1 kg, तो उसी में मैं सारी कटिंग लगा रहा हूँ। ये देखिए, तो जो मैंने मिट्टी बनाई थी वही मिट्टी, और ये देखिए ये वाला प्लांट है, ये थोड़ा देखिए ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और रूट्स ज़्यादा है, तो उसको मैं थोड़ी बड़ी पॉलीथीन देखता हूँ अंदर पड़ी होगी तो उसी में लगाऊंगा, ताकि इस पॉलीथीन में मैं मिट्टी भर लेता हूँ और उसमें लगाता हूँ। किस तरह लगाता हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए पहले मैं मिट्टी भर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैंने इसमें मिट्टी भर ली है, तो मिट्टी भरने के ये देखिए कटिंग निकालने के लिए मैंने लोहे का सरिया लिया है, इसी से मैं धीरे करके ऐसे कर ऊपर करके कटिंग निकालता हूँ, क्योंकि पूरी सब कटिंग है उस सब की जड़ें मिक्स हो गई है इसमें, तो इसको बहुत है। इस तरह से मैं थोड़ी ढीली करके इसको निकाल लेता हूँ। तो देखिए आप रिज़ल्ट देख सकते हो कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। ये देखिए बहुत अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है, ये देख सकते हो आप, सारी कटिंग में रूट्स बहुत अच्छे से आई है। तो इसको निकालने के बाद मैं क्या करता हूँ कि ये कटिंग निकालने के बाद मैं यहाँ पे रख के इसको पूरा फंजीसाइड पाउडर लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे रखिए, फिर इसको साफ मेरे पास साफ फंजीसाइड में यूज़ करता हूँ, वही पूरी कटिंग में इसे लगा देना है आपको, ये थोड़ी सी भी रूट्स इसकी खा रही नहीं, पूरा फंजीसाइड पाउडर आपको डाल देना है। ये देखिए ये मैंने पाउडर डाल दिया है, अब इसको सिरे से रख के अब हम मिट्टी डाल देंगे। इसी तरह मैं एक एक करके सारी कटिंग लगा दूंगा। ये देखिए यहाँ रख के मिट्टी डाल देंगे, तो मैं मिट्टी डाल देता हूँ। देखिए मिट्टी डालने के बाद आपको धीरे धीरे ऐसे हल्के हाथों से इसको प्रेस कर देना है, ऐसे ऐसे दबा के इसको प्रेस कर देना है, बस इस तरह हमें कटिंग लगा देनी है सारी कटिंग। आपके पास जितनी भी कटिंग आप गमले में लगा रहे हो तो भी इसके छोटे छोटे गमले में इसको रिपोर्ट कीजिए कटिंग को। देखिए तो इसी तरह मैं सारी कटिंग लगा ली, देखिए और कटिंग में लगा दूंगा। और इसको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर पानी में मिलाना है, मतलब 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंजीसाइड डाल के आप घोल बना के पूरा सब प्लांट में थोड़ा थोड़ा पानी दे दीजिए, और इसको फुल धूप में रख दीजिए, जहाँ धूप आती हो वैसी जगह पर रखिए इस प्लांट को, कि जहाँ इसको पूरे दिन की धूप मिले। अभी ठंडी आए ज़्यादा धूप आती नहीं है, तो फिर भी जहाँ धूप आती हो उस जगह पे इसको रखिए, और आप सर्दियों में भी इस प्लांट को बहुत आसानी से रिपोर्ट कर सकते हो और कट भी कर सकते हो, बस थोड़ा इस बात का आप ध्यान रख लो तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से चल जाएंगे। अडेनियम प्लांट वैसे बहुत ही हार्डी प्लांट है, बस आप थोड़ी कुछ एक बातों का ध्यान रखते हो तो आपके प्लांट अच्छे से चल जाते हैं। तो आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।